Fatiha. वो इनायतों की जजा मिली, वो हिदायतों का सिला दिया, वो चराग कब्र नबी का था जिसे करबला में बुझा दिया। अरे वो सेनानो तीरों की बारिशें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी नौजवान का जिगर दिया, कभी बेजबान का गला दिया। अरे कहो वो दिल कहाँ से लाएंगे के हुसैन खेमे में जाएंगे, जिसे माँ की गोद से लाए थे उसे जेर खाक सुला दिया। हाय हुसैन के चाहने वालों, हुसैन को अलविदा कहने वालों, दूर दराज से शिराज़े हिंद में आकर हुसैन को अलविदा कहने वालों, जब घर पलट के जाएंगे तो आपके घर वाले आपका इंतजार करेंगे, लेकिन कोई मदीने में मौजूद था जिसे इंतजार था। हाय मेरा भैया अली अकबर, मेरा भैया कासिम पलट के आएगा। लेकिन वो काफिला पलट के ना आया। हाजादारा ने मजलूम करबला, हुसैन गरीब का चेहलुम है, उस मजलूम का चेहलुम है जादारो आज, जिसकी बहन मौजूद थी लेकिन भाई का लाशा बेगुसलो कफन पड़ा था, जवान बेटा मौजूद लेकिन हाथों में हथकड़ी, पाँव में भेड़िया। एक मरतबा चेहरे का रंग जब मुतगैर हुआ तो एक मरतबा ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से पूछा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, क्या तुम भी फूफी का साथ छोड़ दोगे? अज़ादारो सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आप देख रही हैं, आदा ने अपने कुश्ताए नजीस को तो दफन कर दिया। आए फातिमा का लाल, अरे फातिमा का लाल, अरे करबला की जलती हुई जमीन पर बेगुसलो का फन पड़ा है। अज़ादारो ज़ैनब ने अपने भतीजे को तसल्ली दी, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद घबराओ नहीं, बाबा की कब्र भी बनेगी, बाबा का रोज़ा भी बनेगा। हाँ अज़ादारो, यही बात सैयद सज्जाद के लिए काफ़ी थी। सैयद सज्जाद करबला से कूफा और कूफा से शाम जा रहे हैं। अज़ादारो अभी जिस बच्ची का ताबूत निकलने वाला है उसका नाम है सकीना। अज़ादारो सकीना के लिए बस एक ही जुमला पढ़ूंगा, मेरी माँ बहने यहाँ मौजूद है, उनकी आगोश में उनकी बेटियाँ हैं, खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे। लेकिन अगर अभी अपनी बच्ची पे प्यार आ रहा है तो अपनी बच्ची को प्यार ना करिए। आयशा पहलू में रबाब बैठी हो, हाय मेरी सकीना मुझसे कह दे जाब। मेरी सकीना कैद शाम में बिछड़ गई। हाँ आज़ादारो, ये वो बच्ची थी जो हुसैन की शहादत के बाद जालिमों के निशाने पे आ गई। ये वो बच्ची थी जो हुसैन की शहादत के बाद जालिमों के निशाने पे आ गई। अब जिसे हुसैन को अजियत देना होता था वो हुसैन को अजियत नहीं देता था, वो सकीना के रुखसार पे तमाचे मारता था, हुसैन की आंखों से आता
क्यों निकलते थे, सकीना पे जुल्म ढाया जाता था, हुसैन जारो कतार रोते थे। हाँ यही वो बच्ची है अजादारो जिसके ताबूत की अभी ज्यारत करेंगे। बड़ी तमन्ना थी सकीना को, बड़ी तमन्ना थी सकीना को, बार बार अपने भैया से कहती थी, ए भैया हम वतन कब जाएंगे, ए भैया सज्जाद हमें वतन जाना नसीब कब होगा। कभी फूफी के दामन को थामती थी, ए फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जाते हैं। ज़ैनब कहती थी, मेरे लाल सकीना ये शाम को अपने आशियानों को जाते हैं। सकीना सीने पे हाथ मार, ए फूफी अम्मा क्या हम वतन न जाएंगे। अजादारों बच्ची के सवालों को ज़ैनब कैसे बर्दाश्त कर रही है। वतन जाने की बड़ी ख्वाहिश थी सकीना को, रवाय सुनेंगे आंसू रोक नहीं पाएंगे। हाँ अजादारों जिसे सबसे ज्यादा वतन जाने की ख्वाहिश थी वो जिंदा ने शाम में छोड़ गई। एक रोज सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा, बाबा को ख्वाब में देखा, बच्ची बिलख के रोने लगी। बच्ची का रोना देखकर बीबियां भी रोने लगी। ये आवाज यजीद के कानों से टकराई, कहा जिंदान में कैदी क्यों रो रहे हैं। कहा वो जो हुसैन के सीने पे सोती थी, जिसे सुकून हुसैन के सीने पे मिलता था, उसने अपने बाबा को याद कर लिया है। अजादारो सालिम ने एहतमाम क्या किया, एक मरतबा सिपाही को बुलाया, कहा जाओ हुसैन का सर कैद खाने में दे दो। अजादारो तारीख कहती है कि जालिम तश्त में हुसैन का सर लेके आगे बढ़ा, कैद खाने की तरफ जा रहा था, रूमाल ढका हुआ था। सकीना ने आते हुए देखा, कहा पुपी अम्मा इसे कहिए मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बाबा चाहिए। सकीना ने जैसे ही कहा, जालिम ने रूमाल हटा दिया, ए सकीना ले तेरा बाबा आ गया। सकीना तेरा बाबा आ गया। अजादारों बच्ची ने बाप के सर को लिया, बाप के सर को लिया। अब यहाँ पे तारीख ने जुमला लिखा, कैद खाने में जब हुसैन का सर आया तो हुसैन की आंखें खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही सकीना के चेहरे को हुसैन ने देखा अपनी आंखें बंद कर ली। सकीना ने आवाज दी, ए बाबा अरे आंखें खोलो, एक कान की लवे पटी है, ए बाबा तमाचों के निशान देखो। अजादारो तीन दिन की और न जाने कब से प्यासी बच्ची एक मरतबा बाप के सर को लेकर जिंदान में बैठ गई। अभी ताबूत बरामद नहीं होगा, अजादारो रवायत पढ़ूंगा, उसके बाद ताबूत बरामद होगा, आप ज्यारत कर लेंगे। बच्ची ने बाप के सर को लिया, तीतले दिनों की भूखी प्यासी बच्ची, ताकत कहाँ थी सकीना के जिस्म में। एक मरतबा जमीन पर लेट गई, अपने बाप के सर को अपने सीने पे रखा, एक मसाइब का जुमला कहा, औलाद वालों का मजमा है। अजादारो जब हुसैन का सर सकीना ने सीने पे रखा, आवाज दी, बाबा ये अपने अपने मुकद्दर का मातम है, बाबा कभी मैं आपके सीने पर, आज आप मेरे सीने पर। ए बाबा मैं तो आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पे आए हैं। अजादारो बाबा से फरियाद कर रही है। इसी असना में सकीना को लगा कि सकीना का कुर्ता भीग गया। अजादारो अब जो सकीना ने आंखें खोली, देखा हुसैन की आंखों से आंसू जारी। बच्ची ने आवाज दी, बाबा आप रो रहे हैं, बाबा आप रो रहे हैं। कटे हुए सर से आवाज आई, ए सकीना अरे तेरी गुर्बत पे तेरा बाप रोए ना तो क्या करे। अजादारो जैसे ही ये जुमला हुसैन ने कहा, सकीना ने आवाज दी, बाबा मैं शामे गरीबा में रोना चाहती थी। फूफी ने कहा, बेटी सकीना फूफी मजबूर है, तू रोएगी तो शिवर के ताजिया लगेंगे, कोई तुझे तमाम
चाचे मारेगा। मैं राह शाम में रोना चाहती थी, भैया सज्जाद से कहा भैया मैं रो लूं, कहा भाई बहुत मजबूर है। ए बाबा इतने दिनों के बाद आज आप मिले हो, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रो लूं तो आपको भी मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। औलाद वालों का मजबा है, बाबा आप भी मेरा रोना नहीं देख रहे हैं। ये कहकर सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाए और हुसैन के सर पे रखा। बहुत रोएगी अगर जुमला महसूस कर लिया अजादारों, सकीना ने हुसैन के सर पे हाथ रखा। ए बाबा आपके सर की कसम अब सकीना न रोएगी, ए बाबा अब सकीना न रोएगी। अजादारों जैसे ही सकीना ने जो जुमला कहा, एक नन्ही सी गर्दन एक तरफ ढलक गई। दलर दल का ढलकना था, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, जैसे ही बहन के बाजू को थामा। बस यही रवायत पढ़ना है, इसी पे ताबूत निकल आएगा आजादारो, इसी पे आप ज्यारत करेंगे। सैयद सज्जाद ने बहन के बाजू को थामा, चीख के पीछे हटे। फूफी अम्मा, पुपी अम्मा हम लुट गए, पुपी अम्मा कैद खाने में सकीना हमारा साथ छोड़ गई। लो आजादारों कैद खाने में सकीना साथ छोड़ गई। सैयद सज्जाद की मजलूमी पे जितना मातम कर सकते हैं मातम करें। कैद खाने में सकीना है, गुस्ल कफन का एहतमाम हो रहा है। गसाला बुलाई गई और सकीना को गुस्ल देने के लिए आई। जैसे ही पहला पानी डाला, एक चीख मार के आवाज दी, बीबी जैनब क्या आपकी बच्ची को कोई बीमारी थी? बस एक बदवा जैनब ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? कहा बीबी मैंने चाहा कि बच्ची के जिस्म से कुर्ता उतार लूं, लेकिन जैसे जैसे मैं कुर्ता उतार रही हूं बच्ची के जिस्म की खाल भी कुर्ते के साथ निकल रही है। आखिरी दो जुमले हैं, जितना रो सकते हैं रोए। एक मरतबा जैनब ने कहा, नहीं गसाला मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन करबला से लेके शाम तक इतने ताजियाने खाए हैं कि जख्मों से कुर्ता चिपक गया है। उसका कुर्ता ना उतारो, इसी कुर्ते में दफन कर दो, इसी कुर्ते में दफन कर दिया जाएगा। बस खत्म हो गई, आखिरी जुमले हैं, ताबूत की ज़ियारत करें। जनाजा तैयार हुआ, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी, सैयद सज्जाद के पाँव में बेड़िया। आए हैं फूफी के पास, फूफी अम्मा आपने हम पर बड़ा एहसान किया, करबला से लेके कूफा तक हमेशा हमारा तहफ्फुज किया। ए फूफी अम्मा बस एक एहसान और करिए, मेरी बहन का लाशा मेरे हाथों पे रख दीजिए। जैनब ने कांपते हुए हाथों से सैयद सज्जाद के हाथों पे जनाजा रखा। जनाजा पहुंचा, जनाजा कब्रिस्तान पे पहुंचा, दो हाथ बरामद हुए। ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, लाओ मेरी अमानत मेरे।